क्वेश्चन नंबर टू, फलन है, फंक्शन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और इसका इंटरवल जो है वो -1/2 से √2 है, तो फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे कि -1/2 और √2 पे फलन का वैल्यू सेम आएगा, तो यहां पे x का वैल्यू रख दीजिए -1/2, तो पहला टर्म इसका आ जाएगा -1/4, दूसरा 1/4, तीसरा 2 और चौथा भी 2 है, तो ये वैल्यू आ गया 4, फिर दूसरा वैल्यू इसका है √2, √2 पे वैल्यू रखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 4√2, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म -4 √2 और चौथा टर्म जो है वो 2 आ जाएगा, तो इसमें देखो दो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, 4√2 4√2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो f ऑफ -2 और f ऑफ √2 पे फलन का मान बराबर हो गया, फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ गया, तो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए f ऑफ x जो है वो क्यूबिक घन है, 3 डिग्री का घन है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो f ऑफ x इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, 4 पावर 5 पावर किसी भी पावर का है, वो सारे वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यूअस होता है, तो इस अंतराल में भी कंटिन्यूअस होगा -1/2 से √2 तक। अब थर्ड इसका कंडीशन डिफरेंसिबिलिटी, ये जो है फिर से वही कंडीशन आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सारे वास्तविक संख्याओं के लिए डिफरेंशिएबल होगा, तो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख लेंगे -1/2 से √2, सारे रियल नंबर के लिए है, हमारा कंसर्न केवल -1/2 से √2 के बीच में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सबके लिए कंटिन्यूअस होगा, तो अब इसका तीनों कंडीशन पूरा हो गया, हेंस रोल्स थ्योरम के हिसाब से अगर तीनों शर्त पूरी हो जाती है इसकी, तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या मिलेगी सी अंतराल में -1/2 और √2 के बीच में, एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लिए डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा, f डैश सी इक्वल टू 0, तो f डैश सी का वैल्यू आ गया 6c² + 2c - 4, इसमें से 2 एलिमिनेट कर दो, फिर इसको फैक्टराइज कर दिया ग्रुप ब्रेक करके 3c और -2c, और इसका ग्रुपिंग कर लो। अब ग्रुपिंग करने के बाद पहले में से 3c कॉमन लेंगे और दूसरे ग्रुप में से -2 कॉमन लेंगे, c+1 c+1, तो ये कॉमन हो गया और यहां पे दूसरा फैक्टर बच गया 3c-2। अब इसको जीरो करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, एक फैक्टर से आएगा 2/3 और एक से आएगा -1। -1 जो है हमारे अंतराल में नहीं है तो इसको na लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल, एक वैल्यू हमें मिल रहा है 2/3 जो ओपन इंटरवल -1/2 से √2 के बीच में अस्तित्व में है, तो रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया इन द दिए गए अंतराल में, रोल्स थ्योरम जो है वो सत्यापित हो गया या वेरीफाइड हो गया। दैट्स ऑल।